चलो ओके क्लास आज पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 इज अबाउट हैकअप जो हैजर्ड एनालिसिस है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट वन उसका। ठीक है, कंटेंट्स है हमारे पास लेक्चर की, कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं हैकअप के, रिक्वायरमेंट्स क्या है और उनको हम लोग उनकी एप्लीकेशन किधर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा है कि जो जो भी हैकअप के जितने भी 7-8 रूल्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें हमारे पास। ठीक है, और हम कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करें कि हाउ कैन वी कंज्यूम और ऑब्टेन हेल्दी फूड। ठीक है, तो हैकअप बेसिकली हमारे पास क्या है? हैकअप हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है फॉर एनी ऑफ फूड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काम इनका क्या होता है? हमारा जो बेसिक पर्पस होता है का वो होता है कि सेफ हैंडलिंग हो सके फूड की। ठीक है, हम क्योंकि फूड पढ़ रहे हैं तो हम लोग फूड से रिलेटेड ही करेंगे और मोस्टली फूड ऑर्गेनाइजेशन में ही हैकअप ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, फूड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसकी सर्विंग देखेंगे हम लोग। ठीक है, एंड एक ओवरऑल हम लोग सिस्टम एंड प्रोसीजर देखेंगे टू मेक श्योर द फूड इज प्रोड्यूस इज सेफ टू ईट। ठीक है, ओवरऑल सारे जितने भी हमारे पास सीसीपी सीसीएल वगैरह होते हैं, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है, ये सब कुछ देख के हम लोग ये सब कुछ क्यों देखते हैं? ताकि हम जब एक फाइनल प्रोडक्ट दें तो वो सेफ एंड हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि वाई है कब? ठीक है, क्यों हम सिर्फ हैकअप को ही फॉलो करते हैं कि फूड लॉ प्लेसेस आर लीगल रिक्वायरमेंट ऑन फूड बिजनेस ऑपरेट्स टू द फॉलोइंग। ठीक है, पुट इन प्लेस द हैकअप। ठीक है, अगर आपने हैकअप फॉलो करना है तो पुट इन द प्लेस का मतलब है कि उसकी मतलब उसको थ्रूली आपने फॉलो करना है, उसके सारे प्रोसीजर को सही तरीके से यूटिलाइज करना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर जब आपने वो सारे जगहों पे देख लिया, मतलब आप लोगों ने देख लिया ना कि पहले किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे क्रिटिकल लिमिट बन सकती है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर आपने वो हाउ टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, जब आपने एक दफा एक रूल्स एंड रेगुलेशन देख लिया, फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि एक आपके पास एक लीगल चीज है तो आपने क्या करना है, आपने उसका परमानेंट प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। लाइक इफ यू हैव स्टार्टेड अ कंपनी फ्रॉम डे वन टू द 30th डे ऑफ द मंथ एंड टू द 365th डे ऑफ द ईयर, आपने वही रूल और वही चीजें आपने अपनी मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, जिनकी बेसिस किस चीज पे होती हैकअप पे। ठीक है, व्हाट इज हैकअप? हैकअप इज हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, अब है कि हैकअप अप्लाई कहाँ पे होता है? ठीक है, अप्लाइकेबल जो है ये बहुत सारी जगहों पे आपके पास है। ठीक है, बट मोस्टली आपके पास कहाँ है? फूड बिजनेस में। ठीक है, वैसे अगर आपके पास कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ना, मीन्स लाइक कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है या जहाँ पे मेडिकेशन मेडिसिन वगैरह बनती है, वहां भी अप्लाई कर सकते हो। बट मोस्टली कहाँ पे यूज होता है आपके पास? जितने भी फूड बिजनेस होते हैं, चाहे वो फिर आपके पास इस तरह का फूड बिजनेस हो जहाँ पे लाइव कुकिंग वगैरह हो रही है जैसे रेस्टोरेंट है, या यहाँ पे आपके पास पैकेजिंग वगैरह होती है जैसे मेरी फैक्ट्रीज हो गई या केक कंपनीज वगैरह हो गई। ठीक है, तो इन हर जगहों पर आप लोगों ने अप्लाई करना है। हमारा टारगेट गोल क्या होता हैकअप के लिए, या हैकअप का गोल क्या है हमारे पास? ठीक है, प्रिवेंशन इज द आइडियल गोल, प्रिवेंशन फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड फ्रॉम द जो आउट इंट्रूडर्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके एनवायरनमेंट को गंदा या खराब कर रही है। ठीक है, हैकअप के अंदर एनवायरनमेंट किन चीजों की है, कौन से स्टेप्स हैं या क्या चीजें हैं? ठीक है, टू मिनिमाइज पोटेंशियल बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल हैजर्ड। ठीक है, मतलब हमने उसको रोडेंट से बचाना है, वो बायोलॉजिकल में आ जाएगा किसी भी केमिकल कंटेमिनेशन, लाइक सपोज इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, या फिजिकल हैजर्ड्स में आपके पास आ जाएगा कोई भी पेस्ट अटैक वगैरह, वो तो खैर बायोलॉजिकल में आ जाएगा, बट ये जो यूवी रेज वगैरह है, कोई लाइट आ जाए या कोई गामा रेज वगैरह अगर कोई चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उनको मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, एंड कैन बी इलिमिनेटेड और रिड्यूस टू सेफ लेवल बिफोर दे कैन डू हार्म। ठीक है, हैकअप में बेसिकली जब आप सीसीएल बनाते हो ना, कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट, उसका मतलब ये होता है जब क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट में बनाते हो आप, उसका मतलब होता है अगर फ्यूचर में अगर हो सकता है इस तरह कुछ हो तो उसके खिलाफ आपने कौन से एक्शन लेने हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये चीज एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फायदे क्या है हमारे पास हैकअप के, एडवांटेजेस क्या है? अंडर दिस सिस्टम हैजर्ड्स कैन बी इलिमिनेटेड और रिड्यूस टू सेफ लेवल बिफोर दे कैन। ठीक है, मोस्टली क्या है हमारे पास जिसका मेन एडवांटेज है कि किसी भी चीज की मींस लाइक आप कह लें कि गलतियों से आपको बचा सकते हैं। लेट सपोज आप जब लेट सपोज एल्फी जो होती है, आपने जब एल्फी से आप जब काम करते हो, एल्फी से कुछ चीज जब जोड़ने लगते हो, आपको पता है वो आपकी उंगलियों को जब लगता है तो आपकी उंगलियों में एक बर्निंग सी होती है, वो चिमट जाती है। ठीक है, उसका सीसीएल आपने क्या करना है, या उसका कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है? आप पहले से ग्लव्स पहन लो,
या फिर आप ऐसे कोई चीज अपने हाथों से रैप कर लो, ठीक है, जो आपको अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो हैजर्ड कंट्रोल क्या है, किसी भी आने वाले हार्म को या तो बिल्कुल इलिमिनेट कर दें या उसको मिनिमाइज कर दें आप। समरी क्या है हमारे पास इसकी, हेल्थ ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, ठीक है, प्री रिक्विजिट, जैसे आपका प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट होते हैं ना, प्री रिक्विजिशन इसके क्या है, इंप्लीमेंट प्रायर टू हेल्थ अप्लायंस, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम, इस तरह का कोई चीज सोचें जो कि प्रायर हो जो हैकअप के प्लांट्स तक, एंड कंट्रोल ऑफ ओवरऑल प्लांट एनवायरनमेंट, प्लांट का जो एनवायरनमेंट है, आपने आपका जो वेयर हाउस है जहां पे आपका काम करना है उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास फैक्ट्रीज है उनको कंट्रोल करना है, फैक्ट्रीज क्या हो सकते हैं आपके पास, वाटर क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्लांट सैनिटेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो तो बस ये नहीं होता आपके पास पैसा है तो बस आपने बिल्डिंग बना दी और जी कंपनी शुरू कर दी, नो, यू हैव टू सी, लेट सपोज अगर आपका कोई फैब्रिक का कोई इंडस्ट्री है तो आपको देखना है कि वहां पर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, जो पानी वहां पे आता है या जो पानी वहां से बाहर जाएगा उसकी सैनिटेशन क्या है, उसकी इलिमिनेशन क्या है, ठीक है। जो एम्प्लॉय आप ले रहे हो, आप बिल्कुल स्क्रैच से तो एम्प्लॉय नहीं लोगे ना, आपको आपके एम्प्लॉय के पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेट सपोज आप यूनिवर्सिटी को देख लो, अगर यूनिवर्सिटी किसी टीचर को हायर करता है तो उसके कम से कम उस टीचर की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके पास बेसिस होने चाहिए, उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए, तब जाकर उसकी हायरिंग होती है। ये तो नहीं होता आप सीवी लाए, आपने रखी और जी बस आप एक्सेप्ट हो गए आपको मिल जाएगी, नहीं, यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर चैनल, बहुत सारी चीजों में से गुजर के आपकी हायरिंग होगी, ठीक है। इस तरह हर एम्प्लॉय, हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे स्टेप से गुजर के आपके पास आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन और आपने अपना वेयर हाउस और स्टोरेज देखना है कि आपकी स्टोरेज जहाँ पे होनी है किसी चीज की, लेट सपोज अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि लाइक चिप्स की कोई कंपनी है, तो उनका वेयर हाउस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर उनको पता हो कि इस एरिया के अंदर मॉइस्चर वगैरह जो है वो नहीं आता, ठीक है, या फिर जो रोडेंट्स है, रैट्स वगैरह है, वो नहीं आते। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी होती, ठीक है। प्लान्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, इंप्लीमेंट फॉलोइंग प्री रिक्विजिटिक प्लान प्रोग्राम्स टेलर टू सर्टेन प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है। जो आपके प्री रिक्विजिट प्लान्स थे उनको आपने इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से, कंट्रोल फैक्टर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। आपने अपने फैक्टर्स, अपनी चीजें और अपने बजट और अपनी मतलब अपनी मशीनरी के मुताबिक फिर इन चीजों को ऊपर नीचे आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है, एज इट इज भी फॉलो कर सकते हो या फिर अपने एरिया के हिसाब से, अपनी चीज के हिसाब से आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। हैकअप के अंदर फोकस हमारा क्या होता है, फोकस इज ऑन द रॉ मटेरियल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। जब आप कोई भी चीज फॉर्म टू द कंज्यूमर क्लीन एंड क्लियर लेके जाना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप हैकअप को वो करोगे। इसके अलावा पीआरपी होती हैं, ठीक है, प्री रिक्विजिटिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, उनका फोकस इज ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो आपके पास फैसिलिटी है एंड प्रोग्राम्स एंड द पीपल, मतलब एम्प्लॉय वगैरह जो होते हैं आपके पास, ठीक है। फिर हैकअप के 7 प्रिंसिपल है आपके पास, ठीक है, वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपका होमवर्क भी हो सकता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लें, मैं हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूं कि व्हाट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस डू यू विश टू बी कवर्ड इन ओवरऑल हैकअप प्लान, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी थॉट है। 126 बच्चे हो आप लोग, 126 की अपनी थॉट्स होंगी इस बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, एन ओवरऑल हैकअप प्लान विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द डिस्पैच टू द कस्टमर, ठीक है। अब आपने भी इसका आंसर देना है, वैसे तो क्लियर आंसर इधर है, पर व्हाट यू थिंक्स एंड व्हाट आर योर थिंकिंग्स अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपने करना है। हैजर्ड एनालिसिस क्या होता है, नंबर वन, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप क्या करते हो, आप उसकी हैजर्ड एनालिसिस देखते हो। लेट सपोज आप अगर इसका माइक ऑन है, हर लेक्चर में आपको ये बोलना पड़ेगा कि माइक ऑफ रखा करें, हैजर्ड एनालिसिस में आप लोगों ने क्या करना होता है, जब भी आप कोई काम शुरू करते हो आपने सबसे पहले हैजर्ड देखना, ठीक है। हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि हम इसमें कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं और क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं। तो हैजर्ड एनालिसिस मींस लाइक आप अपने प्रोज एंड कॉन पहले देखें, ठीक, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ हैजर्ड फॉर मटीरियल इंग्रीडियंट एंड रॉ मटीरियल, ठीक है। लेट सपोज अगर ये कोई बड़े पैमाने पर कोई चीज है, आपने इंग्रीडियंट्स लिख लेने, आपका जो स्क्रैच का जो रॉ मटीरियल है जहां से आपने शुरू करना है, ठीक है। फिर आपने स्टोरेज देखनी है, ठीक है, स्टोरेज अगर मैंने ये चीज बना ली तो उसको स्टोर कितनी जगह पे और कहाँ पे करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है। प्रिपरेशन,
इसको करते हुए भी उसकी टाइमिंग मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है एंड यूज बाय द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर किसके बारे में क्या रिव्यूज होगा, कंज्यूमर इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेगा. सो दीज आर लिटिल थिंग्स यू शुड नो. ठीक है, नंबर टू पे है डिटरमिन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. ठीक है, फिर आपने अपना जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसको डिटरमिन करना है अपने सीसीपी पे. दैट्स पॉइंट इन टाइम वेयर कंट्रोल कैन बी अप्लाइड. ठीक है, प्रिवेंटेशन किस तरह करनी है. ठीक है, आपको पता है आप अगर कोई सर्टन काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने प्लास्टिक मेल्ट करना है, हैजर्ड एनालिसिस आपने इसकी कर ली, मैंने इसको करना है, इतने में मेल्ट करना है, ये वाला प्लास्टिक लेना है. ठीक है, सीसीपी में क्या आएगा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, अगर ये मैं बर्न करूंगी और अगर ये मैं मेल्ट करूंगी, अगर इससे आग लग जाए तो उसकी प्रिवेंटेशन कैसे करनी है. ठीक है, ये प्रिवेंशन वाला पॉइंट आ जाएगा सीसीपी में. एलिमिनेशन, लेट सपोज अगर कुछ बुरा हो गया तो हाउ विल आई और वी विल एलिमिनेट द सर्टन थिंग. ठीक है, या फिर इन सबके बाद क्या आएगा, सारी चीजें हमने माइंड में रखनी है. रिड्यूस हैजर्ड टू नॉन थ्रेटनिंग एक्सेप्टेबल लेवल. ठीक है, नॉन एक्सेप्टेबल लेवल तक नॉन थ्रेटनिंग क्या हो सकता है कि लेट सपोज हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी ना प्लास्टिक को मेल्ट करने, मैं प्लास्टिक को मेल्ट करूंगी बट मैं अपनी बॉडी को कवर रखूंगी. ठीक है, मैं उसको किसी ऐसे एरिया पे करूंगी जहां पे अगर लेट सपोज प्लास्टिक मेल्ट होकर नीचे गिर जाए या अगर आग लग भी जाए तो कोई नुकसान ना पहुंचे और मुझे भी मिनिमम नुकसान पहुंचे. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ग्लव्स पहनेंगे, कवर्ड कपड़े पहनेंगे और एनवायरनमेंट ऐसा ओपन एनवायरनमेंट ढूंढेंगे जहां पे किसी भी किस्म की कोई बिजली की तारे और इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी. ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा सीसीपी होगा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होगा हमारे पास. ठीक है, और क्या हो सकता है, इट इज अ पॉइंट स्टेप. ठीक है, और प्रोसीजर एट विच कंट्रोल कैन बी अप्लाइड एंड अ फूड सेफ्टी हैजर्ड कैन बी प्रिवेंटेड एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड. ठीक है, अभी वही वाली बात की समझ लीजिए जो मैंने आपको बताई है, वो वाला पॉइंट है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी खतरे को रोक सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, द मोस्ट कॉमन सीसीपी इज कुकिंग वेयर द फूड सेफ्टी मैनेजर डेजिग्नेट क्रिटिकल लिमिट्स. अच्छा, कुकिंग के टाइम में सीसीपी क्या है और क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट क्या है हमारे पास. सीसीपी ये कि हम लोग तरीके से कुकिंग करें और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये है कि टेम्परेचर, अगर खाने को खाना जलना इज अ हैजर्ड और खाने को जलाना कैसे रोकना है ये सीसीपी है और खाने का टेम्परेचर इज कंट्रोल क्रिटिकल लिमिट. ठीक है, लेट सपोज अगर चिकन को हमने 120 पे रखना है तो हम उसको 120 से अबव नहीं करते, 120 इज क्रिटिकल कंट्रोल जो लिमिट है हमारे पास. ठीक है, वरना चिकन क्या है वो 115 पे भी हो जाएगा, 110 पे भी हो जाएगा, बट ये एक लिमिट है. ठीक है, अगर वो इस लिमिट को एक्सीड करेगा तो फिर क्या होगा, हेजर्ड होने के चांसेस हैं, आपके पास आग लगने के चांसेस हैं या खाना जलने के चांसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग हैंड इज अ क्या है, सीपी है, प्रिवेंटिव क्रिटिकल पॉइंट है. आप खाना बनाने से पहले हाथ धो रहे हो. रेफ्रिजरेशन क्या है, सीसीपी है, कॉज दिस कैन, बिकॉज दिस कैन प्रिवेंट माइक्रोब्स. ठीक है, सीसीपी क्या है, माइक्रोब्स को रोक सकता है या उनको मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा रोक सकता है, एलिमिनेशन है या रिडक्शन है आपके पास. ठीक है, cooking is CCP because at proper temperature it can kill pathogen. ठीक है, and CCP should be carefully developed and documented. ठीक है, documentation भी बहुत जरूरी होती है जब आप बड़े पैमाने पे किसी चीज की क्या करते हो, preparation करते हो. ठीक है, या फिर अगर आप वैसे भी उठा लो ना जो आपके पास बड़ी foreign countries की recipes होती है, US UK की, उनका क्या होता है, उन्होंने उनकी जो रेसिपी होती है ना उसमें भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं. आपके पास इतने लोगों को सर्व करना है, इतने टाइम कुक करना है, इतना टेम्परेचर रखना है, इस चीज को इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है. दोबारा से आगे आपके पास सीसीपी ड्यूरिंग किचन ऑपरेशन. ठीक है, एग्जांपल है आपके पास कुकिंग क्या है, आपने इंटरनल टेम्परेचर क्या रखना है, आपने 74 डिग्रीज रखना है, कूलिंग आपने 4 डिग्री पे करना है, रेफ्रिजरेशन का जो नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, प्री हीटिंग आपने क्या करना है, इंटरनल टेम्परेचर वापस आपने 74 पे लेके जाना है. ठीक है, प्रॉपर सर्विंग का जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए. लेट सपोज इफ इट इज आइसक्रीम और इफ इट इज डिजर्ट तो प्रॉपरली कोल्ड और चिल्ड होना चाहिए, और अगर ये चाय है या कोई इस किस्म का खाना सूप वगैरह है तो इट शुड बी पिपिंग हॉट. ठीक है, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग इज प्रोसीजर, जिसमें आप 100 ppm फॉर द सैनिटाइजिंग सोल्यूशन है, आगे सैनिटाइजर सोल्यूशन बनाना भी सिखाया गया है. ठीक है, तो ये क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन है. ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है ड्यूरिंग इफ यू आर वर्किंग इन अ किचन. ठीक है, सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन कैसे बनाना है, हम लोगों ने कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 tablespoon ऑफ अनसेंटेड क्लोरीन ब्लीच इन 1 gallon ऑफ वार्म वाटर. ठीक है,
ये सोल्यूशन सिर्फ किचन को साफ करने के लिए, ये नहीं कि आप लोग उसको एज अ सैनिटाइजर यूज कर लें, ठीक है? क्लोरीन ब्लीच इसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है? इसका पर्पस क्या होगा? आपके पास देयर थ्री स्टेप नीडेड टू इफेक्टिवली क्लीन एंड सैनिटाइज यूटेंसिल्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वॉशिंग करनी है यूटेंसिल्स की या अपने किचन की, फिर उसको आपने सैनिटाइज करना है, एंड थर्डली फिर आपने उसको ड्राई ऑन देना है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड किसी को आने या जाने की परमिशन नहीं देनी है आपने, ठीक है? एंड दिस इज फॉर रेस्टोरेंट्स वगैरह, ठीक है? घर में भी आप ऐसे सैनिटाइजिंग करते होते हैं, ठीक है? एक डॉल, आप वो डॉल वाला एक स्प्रे कर देते हो या इस तरह से कुछ कर देते हो, ठीक है? डिसइंफेक्शन क्या है? ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग माइक्रोब्स और पैथोजन को किल करते हैं जो कि हमारे पास बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है? इसके टू जनरल मेथड्स है, हीटिंग और केमिकल सैनिटाइजिंग, ठीक है? हीटिंग के अंदर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होते हैं, जैसे हम लोग UHT की एग्जाम्पल आप ले लें दूध के लिए, ठीक है? या फिर इस तरह होता है कि जो ये जो डेंटिस्ट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हाई हीट पे उनको बॉयल भी किया जाता है या उनके ऊपर सिंपली हाई हीट अप्लाई कर दी जाती है, ठीक है? केमिकल सैनिटाइजिंग के अंदर आप लोग ये ब्लीच, क्लोराइड ब्लीच या क्लोरीन ब्लीच वगैरह यूज कर लेते हो, ठीक है? ये वही वाली बात है, थी कंपार्टमेंट सिंक होता है आपके पास, ये आपके पास कमर्शियल लेवल पे, घर पे नहीं, ठीक है? वॉशिंग, रेजिन एंड सैनिटाइजिंग, ठीक है? एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, ठीक है? आपने क्या करना है, जब आपकी CCP बन जाती है फिर आपने CCL बनाना है, क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट, ठीक है? ईच CCP विल हैव वन और मोर मेजर्स, ठीक है? ईच मेजर विल हैव वन और मोर CCL, ठीक है? कुकिंग इज CCP बट टेम्परेचर इज CCL, मैंने ऊपर भी आपको समझाया, आप जब खाना बना रहे हो उसमें तो आपने अपने स्टेप्स फॉलो कर दिए, बट उसका जो टेम्परेचर आपने रखना है वो आपको क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट है, आपने खाना बर्न होने से बचाना है, ठीक है? क्रिटिकल लिमिट इज यूज टू डिस्टिंग्विश सेफ एंड अनसेफ लिमिट एट CCP, ठीक है? इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है सेफ और अनसेफ चीजों को। सो CCL इज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट विच अ हैजर्ड मस्ट बी कंट्रोल्ड टू प्रिवेंट द लाइक्लीहुड ऑफ हैजर्ड ऑगिंग। तो CCL क्या है हमारे पास, CCP के बाद CCL एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेसिस पे हम लोग बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, CCL की क्या होनी चाहिए, कोई साइंटिफिक फाउंडेशन होनी चाहिए आपका, मतलब कोई उसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास, ठीक है? बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टाइम, इंग्रेडिएंट्स, विजुअल अपीयरेंस, अरोमा एंड सेंसरी, क्योंकि फूड से रिलेटेड है, तो फूड से फूड खाना बनाना भी एक साइंस ही है, ठीक है? आपको पता है आपने उसका एक अच्छे से टेम्परेचर जो उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टाइमिंग फॉलो करनी है, उसकी जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उसको विजुअली किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और जो सेंसरी में क्या आ जाता है, जो उसका अरोमा, टेक्सचर, स्मेल वगैरह है वो भी ठीक होना चाहिए आपके पास, ठीक है? इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एस्टैब्लिशिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर, ठीक है? जो भी प्रोसीजर है उसको किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है और फिर उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है? सारे काम हो गए, अब जब मेन फंक्शन, मेन प्रोडक्ट जो है उसको किस तरीके से अब लेके जाना है, ठीक है? वो क्या कर सकते हैं आप लोग, कीप हेल्प और ट्रैक ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है? आप जब भी कोई काम करते हो आप उसका ट्रैक रखते हैं, लेट सपोज हम किचन की एग्जांपल्स आपको ज्यादातर देंगे, जब आप चावल बनाते हो तो चावल का जब दम लगाते हो तो उसका आप ट्रैक रखते हो ना, अगर 10-17 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट आपने दम दे तो किस टाइम से लेकर किस टाइम तक, ठीक है? उसका एक ट्रैक रखते हो टू फॉलो दैट ऑपरेशन, ठीक है? हेल्प टू डिटरमिन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल एट CCP, ठीक है? इसके अलावा डिटरमिनेशन उस पॉइंट ही करनी है कि जहाँ पे CCP का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों से जा रहा है, ठीक है? प्रोवाइड रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, बड़े पैमाने पे अगर आप लोगों ने कोई करेक्शन की है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगी, ठीक है? CCP समटाइम्स जो है आपके पास रिवर्सिबल है, अगर आप सही एक टाइम पे सही नहीं कर सके तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है? डॉक्टर पर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि स्टेप पे आपने इसको रिवर्स किया था, ठीक है? फाइव आपके पास है पॉइंट करेक्टिव एक्शन, कि आप से अगर कोई गलती हो गई है या अभी हुई नहीं है पर आपने करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, ठीक है? प्रिपेयर इन एडवांस फॉर ECCP, आपने अपने माइंड में पहले से रखना होता है, ठीक है? कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो इतना कर लेंगे, लेट्स सपोज इफ यू आर मेकिंग अ डो और डो बहुत पतली हो गई आपसे, तो आपकी CCP क्या होती है, आपने ड्राई फ्लोर अपने माइंड में पहले से, मतलब अपने माइंड में ये बात रखी होती है और अपने पास भी रखा होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर करेक्टिव एक्शन होता है। अगर ये ज्यादा आपके पास थिन हो गई है तो उसको बैक थिक कैसे करना है, ठीक है? तो ये आपका करेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है? मस्ट स्पेसिफाई हु एंड व्हेन करेक्शन एक्शन टेकन व्हेन CCL इज नॉट मीट, ठीक है? अगर तो ये बड़े पैमाने पे है तो आपने उसको मेंशन करना है कि कब, कैसे और किस वजह से आपने
आपका जो सीसीपी थे वो सीसीएल को फॉलो नहीं कर सके, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कुक डिटरमाइन द मीट हैज नॉट कुक एट प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है. तो अगर प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर हाई एरिया पे इस तरह की कोई मीट की डिश कुक हो रही थी, ये वजह हो सकती है, ठीक है. टेम्परेचर बीच में फ्लक्चुएट किया, जैसे हम लोग कभी कभार कहते हैं ना हम लोग का केक उठता नहीं है बैठ जाता है, वो उन लोगों का केक जो है वो सही नहीं होता जो कि क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट से पहले ही बार बार अवन खोलना शुरू कर देते हैं. भाई कम से कम आप अपने लिमिट तक थोड़ा सा वेट करें ताकि उसके अंदर बार बार एयर ना जाए, ठीक है. तो ये दीज वर सर एग्जाम्पल्स ऑन, ठीक है. करेक्टिव एक्शन है क्या, और डिसाइड टू बैक टू द ओवन, ठीक है. तो इसका करेक्टिव एक्शन क्या था, जब कुक नहीं हुआ मीट उसने सोचा इस मीट को दोबारा ओवन पे रख देते हैं, ठीक है. 15 सेकंड एंड 160 करेक्टिव सीसीपी करेक्टिव एक्शन था ओवन में दोबारा रखना, 15 सेकंड थे सीसीपी, 160 फॉरेनहाइट वर्ड कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट सीसीएल था ये आपके पास, ठीक है. करेक्टिव एक्शन आर अदर लाइन ऑफ डिफेंस टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द फूड, ठीक है. करेक्टिव एक्शन क्या है, हमारे पास एक और डिफेंस लाइन है हमारे पास टू मेक आवर आइटम फूल प्रूफ, ठीक है. सिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास, एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर, ठीक है. वेरीफाई आप कैसे कर सकते हो, ऊपर नीचे चेंजेस कैसे ला सकते हो, चेक टू वेरीफाई द प्लान इज वर्किंग, ठीक है. चेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. हम लोग जो चीजें बनाते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ अपने जॉब से रिलेटेड, जो जब असेसमेंट प्लान में बनाती हूँ, ठीक है, असेसमेंट प्लान मेरी मर्जी से बनता है, ठीक है, बट उसको मैं वेरीफाई किससे करवाती हूँ, अपने एचओडी से, कि इसमें अगर कोई लूप होल्स हैं या कमी बेशियां हैं या अगर कहीं पर मैंने कोई चीज ब्रेक करनी है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं सर से हेल्प लेती हूँ, ठीक है. तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको वेरीफाई करें, चेक टाइम एंड टेम्परेचर डिवाइसेस फॉर एक्यूरेसी एंड मैटर डिटेक्टर, ठीक है. टाइम एंड टेम्परेचर किसी चीज का आप लोगों ने क्या करना है, मतलब अगर आपको किसी ने कहा है कि ओवन को प्री हीट कर लें 80 डिग्री पे, तो वो आपने करना है, एक्यूरेसी इतनी देखनी होती है, ठीक है. इसके अलावा फिर अगर आपने चिकन लेट्स सपोज बेक किया है, उसको बाहर निकाल के जो थर्मामीटर या मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनसे उसका इंटरनल टेम्परेचर भी आपने देखना होता है, ठीक है. लेट्स सपोज अगर बाहर वाला टेम्परेचर आपको 80 फॉरेनहाइट रिक्वायर्ड था, अंदर वाला 74 था, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है. इसके अलावा पीरियोडिकली महीने में अगर कोई बड़ी चीज है तो महीने में किस तरह कर सकते हैं आप उसकी चेकिंग पीरियोडिकली, ठीक है, या हफ्ते के अंदर या दिन घंटों के हिसाब से भी पीरियोडिकली आप कर सकते हो. कंप्रेहेंसिव आप लोगों ने चेकिंग करनी है, और जो चेकिंग आप करते हो, जो रिव्यू आप देते हो, वो आपने अनबाइस देना है, फेवरेटिज्म के बेस पे नहीं देना, या अपनी मर्जी या अपनी चीज को बचाने के लिए आप लोगों ने रिव्यू नहीं करना, ठीक है. इस सब के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज आपने कोई चीज बनाई है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप अपने मदर के पास जाओगे, क्योंकि वो आपकी मदर है, वो थोड़ी सी बायस्ड ओपिनियन उसकी होगी, ठीक है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी चीज को, अगर आपने कहते हैं कि मैंने जो केक बनाया है वो फूल प्रूफ हो, और आपकी मदर ने और फादर ने तो यही बोलना कि बहुत अच्छा है, आपने थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करें, दैट थर्ड पार्टी कुड बी योर सिबलिंग और योर फ्रेंड और योर नेबर, ठीक है, जिससे आप अपने रिव्यू ले सकते हो, जो अनबायस्ड रिव्यू देंगे आपको. नंबर सेवन क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो भी सिक्स स्टेप फॉलो किए उनके आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है. लेट सपोज कल को कोई आपसे कुछ पूछे तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए. दैट रिकॉर्ड कुड बी इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसी, ठीक है. टाइम एंड टेम्परेचर के लॉग्स भी हो सकते हैं, चेकलिस्ट भी हो सकते हैं, जो चेकलिस्ट आर द मोस्ट इजी वन, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने जो भी काम किया है आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपने जस्ट उसको चेक करना है, ठीक है. करेक्टिव एक्शन दैट हैज टेकन, ठीक है, ऊपर हमने बात की थी कि जो भी आप एक्शन लोगे उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है. इसके अलावा फूड मॉनिटरिंग रिकॉर्ड भी आप रजिस्टर्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है. ये अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कि जो हैकअप का मॉनिटरिंग शीट है, ठीक है. उसमें क्या है, स्टेप वन है कुकिंग द मीट, हैजर्ड क्या था, इनसफिशियंट कुकिंग अलाउ फूड पॉइजनिंग, ठीक है. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या थे, फॉलो पर्सनल हाइजीन स्टैंडर्ड एंड कुकिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है. सीसीपी आपका ये था कि आप लोगों ने ये चीज ऊपर वाली आगे वाली दो चीजें जब फॉलो की हैं तो सीसीपी आपका यस आएगा, ठीक है. लाइक फिर आएगा व्हाट, क्या चेंजेस अगर आपने की थी, मेजर इंटरनल टेम्परेचर बाय यूजिंग सैनिटाइज थर्मामीटर, ठीक है. व्हेन फॉर ईच बैच, लेट सपोज छह छह चिकन का बैच था तो ईच बैच पे आपने किया था, ठीक है. करेक्टिव एक्शन आप लोगों ने क्या लिया था, कंटिन्यू कुकिंग अंटिल मीट डिश रीचेस एन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 74 डिग्रीज फॉर 15 सेकंड, ठीक है. कब तक कुक किया, क्या एक्शन लिया था, जब मीट फर्स्ट टाइम में कुक नहीं हुआ था हमने उसका टेम्परेचर पहुंचाया था 74 डिग्री तक 15 सेकंड के लिए, ठीक है. रिकॉर्ड में आप लोगों ने क्या लिखा है,
फूड को हमने कुक किया, फिर हमने फूड को प्रॉपर टाइम पे उसको चिल किया, हमने मॉनिटरिंग रिकॉर्ड के अंदर लिख देना, ठीक है। ओके चले जी, आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। लेक्चर क्लियर है बेटा? बहुत जल्दी खत्म हो गया लेक्चर तुम्हारा आज। यस मैम, बाकी सेक्शन को भी मैंने बोला है, आप लोगों को भी बोल रहे हो कि जो काउंसलिंग आवर्स है मैंने अपलोड किए हैं, जब कभी आपको जरूरत हो काउंसलिंग आवर्स को यूटिलाइज करने की, तो एक दिन पहले, 24 आवर्स या 12 आवर्स पहले आप लोग मुझे ईमेल कर दिया करें और उसको प्लीज यूटिलाइज किया करें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, आप लोग की बैच एडवाइजर मैं ही हूँ ना बहुत सारे बच्चों की, आपको पता भी है कि नहीं? यस मैम पता है। ठीक है, आप जिन जिन को नहीं पता उनको भी बता दें, ठीक है। तो आप लोग किसी भी दिन, मतलब आप लोग को अगर कोई म्यूचुअल कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए जूम पे मीटिंग अरेंज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोग की रिपोर्ट देनी होगी मंथली बेसिस पे कि जी जो मेरा बैच है, जो मेरे अंडर आ रहा है, वो कितने पानी में है, ठीक है। ओके मैम, ओके। अब एक्सक्यूज हम मी आगे। मिस, जी बेटा, मिस वो मॉनिटरिंग का दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। मॉनिटरिंग का जी बेटा क्यों, इसमें क्या मुश्किल था? मिस, वो नेट डिस्टॉर्ट हो गया था, ये स्लाइड मेरी रह गई। अच्छा ठीक है, इसमें मॉनिटरिंग में हम लोगों ने देखा है, ये है कि जो ऊपर जितना हमने पढ़ा है उन वो 7 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हुए हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग उसका रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल हमने उठाई थी चिकन को बेक करने की, तो इसमें है कि स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या करना है, हमने चिकन को लिया, हमने उसको बेक किया, ठीक है। हैजर्ड हमारे पास, हमारे माइंड में क्या था कि अगर हम प्रॉपर कुकिंग नहीं करेंगे चिकन की तो वो इनसफिशियंट कुकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर इसके प्रिवेंटिव मेयर्स हम लोगों ने क्या लिए थे, इसके बाद हैजर्ड को माइंड में रखा, फिर हमने प्रिवेंटिव मेयर ये लिए कि हमने जब खाना बनाना शुरू करना है तो अपने हाथ वगैरह धो लेने, अपनी हाइजीन को साफ रखना, ठीक है। सीसीपी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या था कि पहले वाले जितने तीनों स्टेप थे वो हमने सही तरीके से फॉलो करने हैं, ठीक है। तो वो अगर मॉनिटरिंग शीट है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने यस लिख देना है, ठीक है। अच्छा फिर हम लोगों ने ये देखना है कि हमने करना क्या है, व्हाट शुड वी डू, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने जो भी चिकन था हमारे पास, हमने उसका इंटरनल टेम्परेचर जो था वो नोट करना है, किस चीज के थ्रू, जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर हो गया या जो हमारे पास थर्मामीटर है उसको हमने सैनिटाइज करके यूज करना है, उसका इंटरनल टेम्परेचर हम लोगों ने चेक किया है, ठीक है। कब कब चेक किया हमने, हर बैच के एंड में, ठीक है। हर लेट्स सपोज 6 चिकन का बैच है, तो हर बैच में हर चिकन पर चिकन हमने उसका इंटरनल टेम्परेचर नोट किया, ठीक है। करेक्टिव एक्शन हम लोगों ने अगर कोई लिया है किसी वजह से, लेट्स सपोज प्रॉपरली चिकन कुक नहीं हुआ था, तो वो करेक्टिव एक्शन क्या था, तो हमने करेक्टिव एक्शन ये लिया था कि हमने चिकन को दोबारा अवन में रख के उसका इंटरनल टेम्परेचर 15 सेकंड की टाइमिंग के हिसाब से 74 डिग्रीज पे पहुंचाया है, ठीक है। फिर रिकॉर्ड के अंदर हम लोगों ने क्या लिखना है, रिकॉर्ड जो लास्ट हमारा स्टेप है रिकॉर्ड कीपिंग का, उसमें हमने लिखना है कि हमने चिकन को प्रॉपरली कुक किया, फिर हमने उसको प्रॉपरली चिल किया, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉनिटरिंग रिकॉर्ड है, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? यस मैम, थैंक यू। चले अटेंडेंस पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी मिस, जी बेटा, असाइनमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दें। असाइनमेंट का मैंने आपको अपलोड कर दिया है, तो असाइनमेंट जो है आपकी वो हैंड रिटन, ठीक है। पॉलिसी एंड ट्रेंड्स ऑफ फूड क्या था, ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज ऑफ फूड मैनेजमेंट कुछ इस तरह का, मुझे तो फूड टॉपिक भूल गया, ठीक जी मैम, है। उसके ऊपर मैंने, मुझे लगता है जब मैंने पहली बार डाला था तो मैंने शायद उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन मैंने डाली थी पहले, कोई बुक का नाम वगैरह। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है, कल मैं डाल दूंगी, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोग को हेल्प दे रही हूँ, क्योंकि पहली असाइनमेंट है और थोड़ा सा टॉपिक भी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे तो नहीं है, पर थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है टॉपिक। तो एक बुक है, उसके अंदर सिर्फ आपने ये करना है कि वो बुक खोल के आपको पढ़नी पड़ेगी, और उसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डेटा आपके पास अवेलेबल है, और वो बुक इजीली गूगल पे अवेलेबल है। बुक नहीं है बल्कि एक बहुत लंबा चौड़ा सा आर्टिकल है, सिर्फ उस आर्टिकल के अंदर से आप लोगों ने कुछ चीजें स्टडी करनी है, ठीक है। मैम पेजेस कितने होंगे, मतलब मैक्सिमम कितनी लंबी होनी चाहिए? असाइनमेंट आपकी ऐसी हो ना कि उसमें आप राउंड अबाउट आपका जितना जो नॉलेज है ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि पॉलिसीज और ट्रेंड कौन सी हैं और कौन सी हो सकती हैं, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है साथ में, ठीक है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम आप अगर बहुत ही लंबी चौड़ी अगर आपने असाइनमेंट बनानी है ना, तो
दस सफो से ऊपर ना हो आपकी, 10 पेजेस मैक्सिमम है आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है उस बुक के अलावा भी, अगर कोई इसकी सर्चिंग अच्छी है तो उस बुक से या उस आर्टिकल से बाहर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बट हैंड रिटन है। और दूसरा 29 मई आपके पास टाइम है, 29 मई की रात तक, ठीक है, मैं आपको पूरा 24 घंटे 29 मई की दे रही हूँ, ठीक है। उससे पहले भी कर सकते हो, 29 को कर सकते हो, पर 29 के बाद मैं नहीं मानूंगी, ठीक है। और इस दफा मैं वक्त ही नहीं मानूंगी। बेटा बुक का नाम और लिंक वगैरह मैं कल शेयर कर दूंगी। मैम जी, बेटा मैम थोड़ा सा डिले हो सकता है? नहीं बेटा, क्यों? मैम 3 क्विजेज हैं इन्हीं दिनों में, 3 सब्जेक्ट के, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो। यस मैम, और प्रोजेक्ट्स के डिले हैं, असाइनमेंट्स और भी हैं। मैम ये पूरा ही तुम्हारा क्विजेज है, सबको करने हैं, सबको करने हैं ना, करने तो हैं, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। मैम थोड़ा सा बस क्विज हो जाए ना, जब क्विज हो जाएंगे तो वो फिर हम पूरा फोकस बना सकेंगे। क्योंकि अभी अभी आपका ये और फिर इससे नेक्स्ट वीक मेरा क्विज है, आपके तो बहाने सारे उम्र खत्म नहीं होने आप लोग के। नो मैम, बहाने नहीं है, वक्त के लिए क्विज लेना। मैंने आपका संडे को क्विज लेना है, 6 जून को। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी अटेंडेंस हुई रखी है अभी जी, रबिया हबीब। अटेंडेंस को क्या हो गया आपकी? मैम लगता है वो भाई है। दीदी मैम 29 को कब तक सबमिट करवा सकते हैं? बेटा मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों की बातों की, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है आप सबकी। 29 को कितने टाइम तक सबमिट करवा सकते हैं असाइनमेंट? 29 को सुबह से लेकर रात 12 बजे तक आपको मैं टाइम दे रही हूं। थैंक यू मैम। ओके अब्दुल रहमान, अफीफा फारूक, आफिया फारूक, सॉरी अफीफा सजाद, प्रेजेंट मैम। एमन नसीर, प्रेजेंट मैम। आयजा, प्रेजेंट मैम। आयजा राशिद, प्रेजेंट मैम। अमीरा इरफान, प्रेजेंट मैम। आमिना मुनीर, प्रेजेंट मैम। आमना नाज, प्रेजेंट मैम। अनम असलम, प्रेजेंट। अनीला नासिर, प्रेजेंट। अक्तस इकबाल, अक्सा जावेद, प्रेजेंट मैम। अरीबा आसिम, प्रेजेंट। अरीज आसिफ, प्रेजेंट मैम। अरीज रबानी, प्रेजेंट मैम। अरूज गुल, प्रेजेंट मैम। अतिया अशरफ, प्रेजेंट मैम। अवैस खान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आयशा जमशेद, प्रेजेंट मैम। आयशा मोगल, आयशा रिजवान, प्रेजेंट मैम। आयशा सुमैया, प्रेजेंट मैम। ईमान इकबाल, प्रेजेंट मैम। अस्का तारिक, प्रेजेंट। अस्का रहमान, अस्का रहमान। बशायर अशरफ, बीरिश साहब, प्रेजेंट मैम। ईमान तौकीर, प्रेजेंट मैम। फतेह राजिया, ईमान अनवर, प्रेजेंट। फैसल मंजूर, प्रेजेंट मैम। फैजान इकराम, वहां पर ही लिखे हैं। फातिमा सर, प्रेजेंट मैम। इसके ऊपर नहीं है। फिजा नवीद, प्रेजेंट मैम। गुले लाला, प्रेजेंट। गुलशन सलीम, प्रेजेंट मैम। हाफिजा लाइबा, प्रेजेंट मैम। हाजरा तारिक, प्रेजेंट मैम। हमना ताहिर,
Hanzala Saleem. Present ma'am. Hina Abbas. Present ma'am. Hina Arshad. Present ma'am. Hira Tabassum. Present ma'am. Huma Ijaz. Present ma'am. Humaira Saeed. Present ma'am. Ikra Asghar. Present. Ikra Bashir. Present. Ikra Qasim. Present. Ikra Rafiq. Present. Isma. Present ma'am. Isma Khalid. Isra Ahmed. Present ma'am. Javeria Atik. Present. Kainat Riaz. Present. Khadija Akhtar. Present. Fanan Fatma. Present ma'am. Laiba Sarfaraz. Present. Mahad Mahmood. Present ma'am. Maham Fatma. Present ma'am. Mahnoor Khan. Present ma'am. Maruf Tahir. Present. Maisra Javed. Present ma'am. Malka Alia. Present. Manahid Kashif. Present. Maryam Rashid. Present. Maryam Saif. Present miss. Maryam Majid. Present ma'am. Maryam Naz. Present ma'am. Mubeen Tanveer. Present ma'am. Mohamna Asif. Present ma'am. Mohammad Hamid. Present ma'am. Mohammad Shahbaz. Munazza Zaheer. Present ma'am. Abia Tahir. Present ma'am. Neha. Nimra Naqvi. Present. Nimra Shahzad. Present ma'am. Fatima. Oshin Sajid. Present ma'am. Razia Naeem. Present ma'am. Rabia Ali. Present. Rabia Habib. Present ma'am. Rabia Salman. Present. Rawad Abdul Rahman. Present ma'am. Ramesh Shaukat. Rawan Nadeem. Present. Razia Batool. Present ma'am. Rahman Tariq. Rimsha Rashid. Present. Rizwan al-Haq. Present. Sabah Arshad. Present ma'am. Sadaf Ilyas. Saira Mehboob. Present. Samira. Sadaf Ilyas present. Present ma'am. Sana Shahzadi. Present ma'am. Sara Ali. Present. Sadaf Ilyas present. Sadaf Ilyas present. Present ma'am. Shaila Iqbal. Sidra Abbas. Present ma'am. Sobia Mansoor. Present. Soha Amin. Present. Sayyida Bisma. Present. Sayyida Dua. Sayyida Ghanwa. Present. Present ma'am. Sayyida Mamina. Present. Ma'am, Sayyida Dua is present. Sayyida Nurulay. Present. Takreem Hamid. Present. Tahreem. Present. Tahreem Akram. Present. Tirza Anwar. Present, ma'am. Aruj Absal. Present. Ma'am, Sadat Bilas present in Kafi Deer's Tahreem. बेटे तो उस टाइम अपनी कॉल पे बोला करें ना, काफी देर से आप मुझे बता रही हैं। मैं बता रही थी एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। उष्णा नसर प्रेजेंट मैम। उस्मा अनवर प्रेजेंट मैम। वर्दा फातिमा प्रेजेंट मैम। वर्दा मुस्तकीम
Zain Iftikhar. Yes, ma'am. Zainab Imran. Present, ma'am. Zainab Mehboob. Present. Zeenat Anwar. Present. Jai Fatma. Present, ma'am. Zoha Ahmed. Ma'am, Afia Farooq. मैम वर्दा के माइक का इशू आ रहा है, उसने हैंड रेस किया हुआ क्लास में. किसका? मैम वर्दा मुस्तकीम. वर्दा मुस्तकीम. ओके मैम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम अकदस इकबाल का माइक ऑन नहीं हो रहा और वो क्लास में प्रेजेंट है तो उससे बोल अपनी अटेंडेंस नहीं बोल. बेटा ये 5 बजे वाली क्लास में आप लोग ऐसे मसले बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. मैम आफिया फारूक. कहाँ होते हैं आप लोग, ये जो फर्स्ट रोल कॉल वाले कहाँ सोए होते हैं आप लोग? मैम मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था. कभी माइक नहीं ऑन हो रहा होता, कभी इंटरनेट नहीं काम कर रहा होता, बाकी दुनिया के हर काम आपके हो रहे होते हैं. और ये स्पेशली 5 बजे वाली क्लास में, जिस सेक्शन की 5 बजे क्लास ले लो उनको ये मसले होते हैं. लीव कर सकते हैं आप लोग क्लास बेटा. जी क्विज में 6 लेक्चर, फर्स्ट 6 लेक्चर. असेसमेंट प्लान आप लोग अपलोड हो जाएगा कल. एक्सक्यूज मी मैम, मेरी प्रेजेंट नहीं लगी. क्यों? आपने आपने क्लास ली? मैम क्लास ली, मैं नमाज पढ़ रहा था. नहीं तो बेटा नमाज आप थोड़ा डिले कर सकते थे. ठीक है, ये तो अच्छा बहाना है कि आप रिलीजियसली किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था. मैम ब्लैकमेल क्यों करूंगा, मैं सच बता रहा हूं. आप बस जाके पढ़ रहे हैं. 5:30 बजे तो अजान होती है. मैं मस्जिद से पढ़ के आया हूँ अभी नमाज. मोबाइल मैंने जेब में डाले जब क्लास हो रही थी. नाम क्या है आपका, भी पता चल जाएगा मुझे. अब्दुल रहमान. फर्स्ट फर्स्ट पे मेरा नेम है.